स्टीव स्मिथ ने की ऑस्ट्रेलिया लौटने की घोषणा, तारीख का भी हुआ खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आईपीएल का 12वां सीजन रोमांच के दौर से गुजरता हुआ अब प्लेऑफ की लड़ाई तक जा पहुंचा है। इस टूर्नामेंट का अंतिम पड़ाव आते आते जहां खिताबी भिड़ंत कहीं अधिक मुश्किल होती जाती है, तो वहीं दिग्गज विदेशी खिलाड़ियों के स्वदेश लौटने की बारी भी शुरू हो जाती है। इंग्लैंड ने जहां विश्व कप टीम में शामिल अपने सभी खिलाड़ियों को 26 अप्रैल तक बुला लिया है, तो वहीं बारी अब बाकी खिलाड़ियों की है। इस फेहरिस्त में एक बड़ा नाम स्टीव स्मिथ भी है, जो इस समय राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर रहे हैं। स्मिथ की विदाई भी तय हो चुकी है और वो 30 अप्रैल को आरसीबी के खिलाफ अपना अंतिम आईपीएल 2019 मैच खेलेंगे और उसके बाद ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएगा, जहां वो विश्व कप के लिए तैयारियों में अपनी नेशनल टीम के साथ जुड़ जाएंगे। इस बात की पुष्टि खुद स्मिथ ने गुरुवार को की है। आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी से हटने के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कमान स्मिथ को सौंपी थी। रहाणे की कप्तानी ने राजस्थान को 8 मैचों में से केवल 2 ही मैच जीत की नसीब हुई थी। स्मिथ ने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहला ही मैच जीतकर राजस्थान को राहत दी। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को हुआ मैच भी राजस्थान ने जीत लिया। ये मैच ईडन गार्डन के कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हुआ था। रॉयल्स ने यह मैच 3 विकेट से जीतने के बाद अंक तालिका में 8 अंक अर्जित कर लिए, जबकि आरसीबी और केकेआर के खाते में भी इतने ही अंक हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।